वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में जानने वाले हैं वाटर कूल चिलर के बारे में, इसका पैरामीटर चेकिंग करने के बारे में। बहुत से लोग इसका ऑपरेटिंग करते हैं, तो स्पेशल इसका चिलर का ऑपरेटिंग के लिए एक टेक्नीशियन यहां पर रहता है। हर घंटे में घंटा दो घंटा जो भी रिक्वायरमेंट रहता है कंपनी का, उसका टेक्निकल चार्ट वगैरह जो भी रहता है वो लिखता है, रीडिंग लिखता है। जैसे कि प्रेशर कितना हो रहा है, इनलेट कितना है, कूलिंग टावर का, इवेपोरेटर का इनलेट आउटलेट कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, और उसका टेम्परेचर कंप्रेसर का कितना है, टोटल एम्पियर कितना ले रहा है, वोल्टेज वगैरह, यानी सब कुछ डिटेल्स जो रहता है आपका पैरामीटर, पूरा डिटेल्स जो भी रहता है चिलर के डिस्प्ले में शो करता है। ये कैसे शो करता है, क्योंकि सभी कंप्रेसर से लेकर के इवेपोरेटर, इनलेट आउटलेट प्रेशर टेम्परेचर जो भी रहते हैं, इसमें सेंसर लगे रहते हैं, प्रेशर रीडिंग लगे रहते हैं, ये सब चीज़ें जो क्या रहता है हमारे पीसीबी से कनेक्ट रहता है, और पीसीबी से सेंस करके माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटेलिजेंट पीसीबी सेंसर रहते हैं वो सब वर्क जो है करता है और डिस्प्ले मॉनिटर कराता है, शो कराता है। तो हम रीडिंग लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ चेक करते हैं ये जानने वाले वीडियो में। आप देख सकते रहेंगे ये हमारे पास मीटर है, थर्मामीटर है, जो टेम्परेचर दिखाता है कितना टेम्परेचर है। इसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ था कितना टेम्परेचर है, इनलेट आउटलेट गेज प्रेशर गेज सब कुछ के बारे में बताया दिखाया गया है। अगर आप चिलर काम जानना सीखना चाहते हैं तो सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, देखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले है, यहाँ पे मेनू बटन है, इसे ऑन दबाया डिस्प्ले ऑन हो गया है। उसके बाद देख सकते रहेंगे मेनू लिखा है, और उसके बाद में प्रेस लिखा हुआ है, लोकल लिखा हुआ है, और CCN लिखा हुआ है। आप देख सकते रहेंगे CSW in है, CSW out है, इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट इन है। उसी तरह से देख सकते रहेंगे CDW लिखा हुआ है, इन है, और CDW out लिखा हुआ है, कंडेंसर रेफ्रिजरेंट इन और आउट लिखा हुआ है। और टोटल इस तरह से यहाँ पर देख सकते रहेंगे एम्पियर लिखा हुआ है, टोटल एम्पियर जो है 92.45 एम्पियर टोटल ले रहा है। ऑयल का प्रेशर देख सकते रहेंगे, ऑयल का टेम्परेचर देख सकते रहेंगे। तो अभी स्टेटस को दबाएंगे, स्टेटस करने के बाद नीचे हमें आना रहा है तो वापस नेक्स्ट जो बटन रहता है इसे हम दबाएंगे। तो हमें देख सकते रहेंगे कंप्रेसर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं दबा करके, तो कंप्रेसर का पूरा डिटेल्स इसमें शो करेगा, दिखाएगा इसमें क्या क्या चीज़ रहता है। जैसा कि आप देख सकते रहें ऑयल प्रेशर दिखा रहा था, या फिर वो मोटर दिखा रहा था, वाल दिखा रहा था, वहाँ से ओपन करने के लिए देख सकते रहेंगे एक्चुअल गाइड वैन जो रहता है वो 30.4 है। और यहाँ पर देख सकते रहेंगे ऑयल टेम्परेचर है, ऑयल पंप डेल्टा का है, एंड प्रेशर फारेनहाइट में शो कर रहा है, और कुछ PSI में शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे अलग अलग कंप्रेसर का, अलग यूनिट का थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता रहेगा, बट स्टेटस वगैरह ज़्यादातर चार्ट वगैरह आपको इस तरह से कुछ देखना रहता है। आप चाहिए तो वीडियो को स्टॉप करके समझ सकते रहेंगे किसका कितना प्रेशर टेम्परेचर है। ये चीज़ें आगे जो है क्या क्या चीज़ हमें नोट करना रहता है, जो रीडिंग बुक रहता है क्या क्या चीज़ हमें लिखना रहता है वो भी आगे हम दिखाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करके ऊपर एग्जिट करेंगे तो बैक आता है, और नेक्स्ट हमें नीचे ऊपर करना है, अप डाउन करना है, तो नेक्स्ट करेंगे तो आगे जाएगा, प्रीव्यू करेंगे तो ऊपर जाएगा। तो अभी देख सकते रहेंगे यहाँ पर हीट एक्सचेंजर को करके सेलेक्ट किया गया है, तो चिल्ड वाटर डेल्टा देख सकते रहेंगे प्रेशर यहाँ पर सूख रहा है, डेल्टा डाटा पूरा इसमें रहेगा। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटर का अप्रोच कितना है, 3.4 है, तो इसमें कितना कम कितना ज़्यादा होगा सर्विस करना रहेगा वो आगे हम जानने देखने सीखने वाले हैं। रेफ्रिजरेंट लिक्विड टेम्परेचर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल्स कितना वाटर प्रेशर का फारेनहाइट है, टेम्परेचर कितना शो कर रहा है ये भी आप देख सकते रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर प्रेशर जो रहता है 35.1 PSI है प्रेशर जो रहता है ऑपरेटर का। उसी तरह से इनलेट टेम्परेचर का देख सकते रहेंगे कितना है, और मेन इसमें अप्रोच जो रहता है वो देखा जाता है, इसका अप्रोच ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसे सर्विस करना रहता है, वो सब चीज़ें अलग जानने की, और टेक्निकल चीज़ें रहता है। आप फिर से बता दें वीडियो को स्टॉप करके इसका चार्ट आप नोट कर सकते रहेंगे, समझ सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे। उसी तरह से आप देख सकते रहेंगे इसे बढ़ाना, इनके देख सकते हैं चिल्ड वाटर डेल्टा का 410 PSI है, और इंटर चिल्ड वाटर जो रहता है इसमें 50.4 फारेनहाइट है। यहाँ पर इंटर देख सकते हैं रखा हुआ है, तो हम इंटर करेंगे तो उसमें हमें कुछ साइज वगैरह प्रेशर पूरा डिटेल्स आएगा, थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो जो है एग्जिट हो जाता है। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग वगैरह दिया हुआ है करने, तभी देख सकते हैं एग्जिट के लिए आ गया, वापस हम यहाँ से प्रीव्यूज करेंगे तो ऊपर जाएगा यानी पीछे आएगा, और यहाँ से एग्जिट करेंगे तो पूरा पीछे हो जाएगा। अभी देख सकते रहेंगे हमें नीचे आना है या ऊपर जाना है, नीचे आने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे तो आएगा, प्रीव्यू करेंगे तो पीछे जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे कि आप देख सकते रहेंगे। और सेलेक्ट करेंगे तो हीट एक्सचेंजर रहता है, कंडेंसर साइड का रहता है, वो चीज़ दिखाएगा यहाँ पर। तो अब उस चीज़ हमने पहले देखा था, और भी यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या चीज़ के अंदर फंक्शन के फीचर क्या चीज़ आता है,
इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट लिक्विड टेम्परेचर दे सकते हैं 39.0 फारेनहाइट है। कंडेंसर का देखेंगे और नीचे इसमें आ रहे हैं तो स्लाइड करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है। कंडेंसर प्रेशर है, हॉट गैस बाईपास का ये बंद है, ऑफ है, और कंडेंसर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर देख सकते हैं 93.7 है, और कंडेंसर का प्रेशर देख सकते रहेंगे 111.7 PSI शो कर रहा है। ओके तो यहाँ से भी देख सकते रहेंगे सेट करने के लिए थोड़ा टाइम और वेट करेंगे, तो ये भी ऑन ऑफ करने के लिए आ रहा है, इसे जैसे गैस हॉट पाइप है उसे ऑफ करना है ऑन करना है उसके लिए। तो यहाँ से एग्जिट करते हैं, एग्जिट करके फिर देख सकते हैं नेक्स्ट करेंगे तो नीचे ऊपर आएगा, बेसिक कुछ इस तरह से रहता है। सेलेक्ट करते हैं ऊपर जाके पावर का, पावर में क्या चीज़ है, एवरेज लाइन करंट दे सकते रहेंगे 92.3% चल रहा है, एक्चुअल लाइन करंट दे सकते रहेंगे 975.9 एम्पियर टोटल ले रहा है ये पूरा टोटल सिस्टम जो है। इसका मोटर का दे सकते रहेंगे कितना किलोवाट है, डिमांड कितना है, क्या चीज़ है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, अलर्ट वगैरह दिया हुआ है, सेटिंग करना, ये सब चीज़ें हम देखते हैं सीखते हैं, बस इनमें से ज़्यादा कुछ हम नहीं लिखते हैं, रेडिंग में लिखते हैं करते हैं, वो क्या क्या चीज़ रहता है वो आगे हम जानेंगे देखेंगे, तो आप देखते रहिएगा। तो बेसिक इसके अंदर फीचर्स नॉर्मल कुछ इस तरह से रहता है, चिलर का डायग्राम डाटा जो रहता है बट और भी इसके अंदर जाते हैं तो सब टेक्निकल चीज़ें रहता है, क्या क्या चीज़ हमें सेट करना है, चेक करना है, और क्या क्या चीज़ सेटअप करना रहता है, एरियर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो आगे हम जानेंगे देखेंगे सीखेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते रहेंगे बहुत से इसका मॉडल आप देख सकते हैं, कैरियर का है देख सकते रहेंगे 19XR8080567E इसका मॉडल है। बाकी चीज़ें तो स्टॉप करके आप पढ़ सकते रहेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉप करके देख सकते रहेंगे जान सकते रहेंगे। तो क्योंकि हम इसको थोड़ा इस तरह क्यों कर रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं आप खुद देख लीजिए कि हम वीडियो को स्टॉप करके एक ही चीज़ पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है तो बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं, ये चीज़ देखने वाला खुद आप पढ़ के समझ सकते रहेंगे, इसलिए आप उसको हम दिखा रहे हैं, आप स्टॉप करिए और जानिए पढ़ सकते हैं समझ सकते रहेंगे। तो अभी आगे हम देखने वाले हैं आपको दिखाने वाले चार्ट क्या क्या चीज़ हमारा बुक रहता है और लिखना रहता है कितना कितना टेम्परेचर क्या क्या चीज़ हमें रीडिंग में लिखना रहता है। यहाँ पर कुछ कंट्रोल मीटर रहता है जिससे हम चालू बंद करते हैं, देखते हैं कितना वोल्टेज वगैरह आ रहा है, क्या चीज़ है, सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, ये भी चीज़ हमें देखना चाहिए, केयर करना चाहिए, कितना लोड है, कितना वोल्टेज वगैरह रहता है, क्या है। तो देख सकते रहेंगे ये नॉर्मल मटर कूल चिलर है। तो उसके बाद इसका जो हम आगे इसका बुक जो रहता है वो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, तो आप देख सकते रहेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका अलग टॉपिक हमारा रहेगा। कूलर के लिए देख सकते रहेंगे क्या चीज़ देखना है, प्रेशर PSI में देखना रहता है, टेम्परेचर देखना रहता है रेफ्रिजरेंट का, और वाटर का प्रेशर, इनलेट आउटलेट, ऑपरेटर टेम्परेचर, इनलेट आउटलेट यानी कि ऑपरेटर का इनलेट आउटलेट और प्रेशर जो रहता है, टेम्परेचर ऑपरेटर कंडेंसर का, दोनों समय ये सब चीज़ें देखना रहता है। वाटर का रेफ्रिजरेंट का देख सकते रहेंगे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों देखना रहता है, और कंडेंसर साइड में भी देख सकते रहेंगे कंडेंसर साइड में जो रहता है यहाँ पर भी प्रेशर टेम्परेचर इनलेट आउटलेट कंडेंसर का भी देखना रहता है हमें। कंप्रेसर का देख सकते हैं क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, बैरिंग देख सकते हैं टेम्परेचर दिखाया था, बैरिंग वहाँ पर था वो चीज़ रहता है यहाँ पे, टाइम भी देख सकते रहेंगे सभी 2 घंटा पर लिखना रहता है, ये सब मेन जो हमारा रीडिंग रहता है। और यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर का बैरिंग टेम्परेचर आपने देखा था वो चीज़ था, और प्रेशर डिफरेंस क्या था वो भी चीज़ यहाँ पर लिखना है, ऑयल का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ऑयल लेवल कितना है, क्या है, ये सब चीज़ें हमें नॉर्मल हर घंटा 2 घंटा में लिखना रहता है, रीडिंग करना रहता है जो लोग ऑपरेटिंग का काम करते हैं चिलर का रहता है। तो बेसिक ऐसी चीज़ रहता है और भी इसके बारे में वन बाई वन हम इन्फॉर्मेशन जानने सीखने वाले देखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जुड़े रहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आता है उसे ऑन जरूर करें, ये वीडियो लोग पास शेयर करें जो लोग आउट ऑफ कंट्री में आना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।